अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। हमने लास्ट क्लास में पेज नंबर 18 पढ़ा था, ग्रेटर देन लेस देन। आज हमने पेज नंबर 19 पढ़ना है, इस पर भी यही है, ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, यहाँ पे है नंबर अप टू 999, लेस देन और ग्रेटर देन। जब हमने पेज नंबर 18, पेज नंबर 17 पहले हमने जो पढ़ा था उसमें 100 का कंपेरिजन किया था। पेज नंबर हमने जो 18 पे किया था उसमें हमने टेंस का कंपैरिजन किया था, और अब यहाँ पे हमने हंड्रेड्स का भी कंपैरिजन करना है, टेंस का भी और मंथ्स का भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पेज नंबर 19 पे हमारे पास क्या है। ग्रेटी क्रोकोडाइल हैज फाउंड टू मोर नंबर्स, बोथ नंबर्स हैव थ्री इन द 100 कॉलम। अब उसके पास हंग्री क्रोकोडाइल के पास, अब हंग्री नहीं है, ग्रेटी क्रोकोडाइल है। ठीक है, हंगरी जो था पेज नंबर 17 पे हंगरी था, और 18 पे भी इतने नंबर खाने के बाद फिर भी वो भूखा था, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो लालची है, इसलिए उसने दो और नंबर तलाश कर लिए हैं। बोथ नंबर्स हैव थ्री इन द 100 कॉलम, 300 कॉलम में है दोनों नंबर्स के, और बोथ हैव एट इन द 10th कॉलम, और 10th के कॉलम में क्या है, 8 है। Therefore, crocodile next check the ones column. फिर क्या करता है crocodile, ones का कॉलम चेक करता है। क्यों चेक करता है? क्योंकि उसने ग्रेटर नंबर खाना होता है। द टॉप नंबर हैज सिक्स इन द ones एंड द बॉटम नंबर हैज नाइन इन द ones। अब जो टॉप नंबर है उसका, उसके वन में सिक्स है और बॉटम में क्या है, नाइन है, तो इसका मतलब है जो नाइन वाला नंबर है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 389 जो नंबर है उसको खा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन, यहाँ पे हमने लिख करना है। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें 496 क्या है हमारे पास, 496 है, और क्या है फिर हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 492। तो अब इधर देखें हमारे पास क्या है, 100 के कॉलम में चेक करें तो 4 एंड 4 सेम है, उसके बाद 9 के कॉलम में चेक करें तो फिर भी क्या है हमारे पास, बोथ सेम है। उसके बाद हमने वंस के कॉलम में चेक किया तो सेम नहीं है, एक में 6 है एक में 2 है, तो जो 6 है वो 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। इस तरह बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में क्या है, 6 एंड 6 100 के कॉलम में भी सेम है, और क्या है टेंस के कॉलम में भी सेम नंबर है। तो हमने वंस का कॉलम चेक किया, 3 फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 8 है, तो 3 जो होता है वो 8 से क्या होता है, लेस देन होता है, यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ गया। इस तरह सी पार्ट में देखें, 548547, इसमें भी बोथ 107 टेंस के कॉलम में सेम नंबर हैं, इसीलिए हम वंस का कॉलम चेक करते हैं तो यहाँ पे 8 एंड 7 है, तो 8 जो है वो 7 से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे 100 का कॉलम में क्या है, 3, तो 3 क्या है, दोनों में 3 है, तो इसीलिए क्या है, 3 सेम है। अब हमने क्या चेक करना है, टेंस का कॉलम, टेंस के कॉलम में क्या है, 2 एंड 2, ये भी सो है सेम हो गया। अब हमने कौन सा कॉलम चेक करना है, वंस का, तो वंस में क्या है, 9 एंड 8, तो 9 जो है वो 8 से क्या होता है, बड़ा है कि छोटा, बड़ा होता है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन, यहाँ पे कौन सा सिंबल आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा। इस तरह देखें आप, ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट में है 991 एंड 990। अब यहाँ पे भी 100 और 10 के कॉलम में सेम नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या चेक किया करना है, अब वंस का कॉलम, तो वंस के कॉलम में क्या है, 1 एंड 0, तो 1 जो है वो 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा। एफ पार्ट में देखें, 825 823, तो यहाँ पे इसमें भी वंस का कॉलम चेक करेंगे, 5 एंड 3, तो 5 जो है वो 3 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर आ जाएगा। आपने इस तरह करके ये पेज नंबर 19 अपनी अपनी बुक्स पे सॉल्व करना है। ठीक हो गया, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 547 एंड 536। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जैसे हमने पेज नंबर 18 पे किया था उस तरह है। 55 मतलब 100 का कॉलम में सेम नंबर है, 10th के कॉलम में देखें एक में 4 है एक में 3 है,
तो फोर जो है वो क्या होता है, थ्री से ग्रेटर देन होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। इस तरह एच पार्ट में देखें 219, 224, तो 219 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 219 है, 224 है, तो 100 का जो कॉलम है उसमें तो नंबर सेम है। तो टेंथ के कॉलम में हम नोट करते हैं, तो टेंथ के कॉलम में आएगा, आता है वन एंड टू, वन एंड टू। तो वन जो है वो टू से क्या है, लेस है या ग्रेटर, लेस देन। यहाँ पे कौन किस चीज़ का सिंबल आता है, लेस देन का। आई में देखें हमारे पास क्या है, 381 है और 389 है। अब इसमें भी इसी तरह है कि 100 के कॉलम में और टेंथ के कॉलम में सेम नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे सेपरेट करेंगे, इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, इसमें हमने वंस का कॉलम चेक करना है। तो वंस के कॉलम में देखें, फर्स्ट वाली जो टर्म है उसमें क्या है, वंस के कॉलम में वन लिखा हुआ है और सेकंड में क्या लिखा हुआ है, नाइन लिखा हुआ है। तो वन जो है वो नाइन से क्या होता है, लेस देन होता है। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, लेस देन का। नेक्स्ट देखें जे पार्ट में क्या है हमारे पास, 692 एंड 792। अब यहाँ पे देखें लास्ट में टेंथ एंड वंस का कॉलम सेम है बट 100 का कॉलम सेम नहीं है। तो हमने कंपैरिजन यहाँ पे करना है 100 के कॉलम से, हमें पता चलेगा ग्रेटर और लेस कौन सा है। अब देखें फर्स्ट में 6 है और सेकंड में 7 है, तो साफ नज़र आ रहा है कि जो 692 है वो छोटा नंबर है और 792 जो है वो बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन का सिंबल। और के पार्ट में आप देखते हैं, के पार्ट में आपके पास है 841, ठीक है, क्या है 841 एंड 759। अब इसमें भी 100 का कॉलम स्टार्ट में जब हम चेक करेंगे तो हमें फौरन ही पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। आप देखें 8 है और यहाँ पे 7 है, तो 8 और 7 जो है इसमें डिफरेंस है, सेम नहीं है। 8 जो है वो 7 से क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा। एल पार्ट में देखें हमारे पास क्या है, 110 एंड 263। इसमें भी आपको 100 के कॉलम से पता चल जाएगा कि ग्रेटर कौन सा, लेस देन कौन सा है। अब देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 जो है वो 2 से क्या है, लेस देन है, तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ गया। अब इस तरह देखें पेज नंबर, ये क्वेश्चन नंबर एम जो है, एम पार्ट, इसमें 786 एंड 781। अब यहाँ पे इसी तरह है जिस तरह ऊपर बताया गया है कि 100 और टेंस का जो कॉलम है वो सेम है और वंस के कॉलम में डिफरेंस है। तो वंस के यहाँ पे है 6 और यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो 6 जो है वो 1 से क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या सिंबल आ जाएगा, ग्रेटर देन का। एन पार्ट में आपके पास क्या है, 946 एंड 649। अब 9 और 6 का कंपैरिजन है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 9 जो है वो 6 क्या होता है, ग्रेटर होता है। यहाँ पे क्या सिंबल आ जाएगा, ग्रेटर देन। इस तरह लास्ट पार्ट में आप 432, 490। अब 4 एंड 4 सेम है, 100 का कॉलम। नेक्स्ट 10 का कॉलम देखते हैं, 10 के कॉलम में यहाँ पे है 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 9 है। तो जो 3 है वो 9 से क्या है, लेस देन है, तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल आएगा। इस तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे ये पेज नंबर 19 को अच्छे तरीके से अपने अपनी बुक्स पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है जो पेज नंबर 20 है, ये आपने ख़ुद ट्राई करना है असेंडिंग ऑर्डर, जिस तरह हमने पहले भी किया था असेंडिंग ऑर्डर, ये आपने ख़ुद ट्राई करना है, नहीं तो मैं ख़ुद करवा दूँगी।